गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही स्वीट स्टोरी है ये आपके सिलेबस की, जो एक प्रिंस के काइंड हार्ट को दिखाती है कि वो कितना दया से भरा हुआ है। वो एक ऐसा प्रिंस था जो जिंदा रहते हुए, जब वो जिंदा था तो कभी भी वो यही नहीं जानता था कि व्हाट इज सफरिंग्स एंड सॉरोस, कि दुख क्या होते हैं, तकलीफें क्या होती हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत ही यंग एज में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी कंट्री के लोग उसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे, और फिर उसके मरने के बाद उसकी एक आइडोल को, एक मूर्ति को बना देते हैं। वो इतना ज्यादा मोहब्बत करते थे कि उसकी पूरी बॉडी को एक थिन गोल्ड लेयर से कवरअप कर देते हैं, आंखों में मणियां लगा देते हैं, उसकी तलवार पर एक सफायर लगा देते हैं, और उसका जो आइडल था, जो मूर्ति थी, वो एक बहुत ही ऊंचे खंभे पर उन्होंने बना रखा था, जहां से वो अपने शहर के उन लोगों को देखता था जो बहुत सुखी थे, जो बहुत परेशानी में थे, जो बहुत गरीब थे। लेकिन क्या था, उसके पैर जो थे वो पेडस्टल से चिपके हुए थे। वो देख सकता था लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे होते होते सैकड़ों साल बीत जाते हैं, और एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही प्यारी सी वर्ड उसके पास आती है, सैल, जो इजिप्ट जा रही होती है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो हैप्पी प्रिंस था, ये बहुत ऊंचे कालम पे था। ऐसे इतनी ऊंचाई पर, और वो वहां से अपने देश के सारे कंट्रीमैन को देखता था, लेकिन बड़ा मजबूर था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था उनकी गरीबी कोई को, उनके गुर्बत को दूर करने के लिए। एक दिन एक चिड़िया आती है जो उसके पैरों के नीचे यहां पर बैठ जाती है। वो उनकी परेशानियों को देखकर रोता है और उसके आंसू जो है वो उसके ऊपर गिरते हैं। चिड़िया कहती है कि भाई आसमान में तो कोई बादल भी नहीं है, तो बरसात कहां से होने लगी। और जब वो उड़कर यहां पर इसके शोल्डर पर देखती है, तो देखती है यूनिक साइन था, हमारा हैप्पी प्रिंस रो रहा था। चिड़िया पूछती है कि भाई आप क्यों रो रहे हो, तो वो सारी चीजें बताता है। वो कहता है कि आप ऐसा करो कि मेरा बॉडी पर, मेरी तलवार पर, मेरी आंखों में जो फाइन ज्वेलरी लगी है, उसको इन गरीबों में बांट दो। और वो चिड़िया धीरे धीरे एक एक करके वो सारी ज्वेलरी को गरीबों में बांट देती है। ये पूरी स्टोरी आपकी हैप्पी प्रिंस के काइंड हार्टेडनेस को शो करती है कि वो कितना दयालु था। और वो लोग इस कहानी से ऑस्कर वाइल्ड ने हमें एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो लोग बहुत ही दयालु होते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वो गॉड के लिए बहुत ही ज्यादा लविंग होते हैं, गॉड के लिए बहुत प्रिय होते हैं। कहानी के आखिर में ये चिड़िया मर जाती है, और ये हैप्पी प्रिंस का जो यहाँ पे दिल होता है, जो लैंड का बना था, वो भी क्रैक हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो जो सिटी का मेयर था, वो कहता है कि इसके दिल को भी फेंक दो, इस चिड़िया की डेड बॉडी को भी फेंक दो। तो गॉड अपने मैसेंजर के जरिए से, एंजल के जरिए से, इस चिड़िया की डेड बॉडी को और इस हैप्पी प्रिंस के दिल को पैराडाइज में मंगा लेते हैं। वो इसलिए मंगा लेते हैं कि ये बहुत ही नेक क्रिएचर्स थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों की मदद करते करते गंवा दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी कहानी है ये हैप्पी प्रिंस, और हमें एक मैसेज देती है कि हमें भी दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो बहुत ही नीडीज हैं, जो बहुत ही गुर्बत में अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट द चैप्टर, वी केयर वेरी मच केयर, ओके स्टूडेंट्स। और हां,
वीडियो देखते वक्त आप क्या करेंगे, अपनी बुक को अपने हाथ में ले लीजिएगा और इसका जो टेक्स्ट है वो भी साथ साथ पढ़ते जाइएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं और एक एक शब्द को मैं डिस्क्राइब करूंगा। ध्यान दें, हाई ऑफ द सिटी ऑन द टॉप पैलेस स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर में एक बहुत ही ऊंचे खंभे के ऊपर हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी वो लगी हुई थी। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. और ये जो हैप्पी प्रिंस था उसकी पूरी जो बॉडी थी उस पर सोने की, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड की पतली परत चढ़ाई गई थी, फाइन गोल्ड की। For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. आंखों की जगह पर सफायर्स लगाए थे, ये भी जेम होते हैं, बहुत ही ब्राइट जेम होते हैं, चमकते हैं, यहां पर सफायर लगाए थे और एक बड़ा सा रूबी, इट इज आल्सो जेम, तो उसकी तलवार की मूठ पर लगा हुआ था, रूबी लगा था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सैलो, सैलो एक काइंड ऑफ बर्ड होती है, छोटी सी चिड़िया होती है। एक रात एक चिड़िया वहां से गुजरी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब होता है मिश्र, जहां पे प्रेमेट्स पाए जाते हैं। उसके सारे दोस्त इजिप्ट जा चुके थे 6 weeks बिफोर, 6 सप्ताह पहले, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, और ये बेचारी चिड़िया पीछे छोड़ गई। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और उसके बाद उस चिड़िया ने भी ये सोचा कि भैया मुझे भी इजिप्ट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इजिप्ट में उस वक्त हल्की हल्की गर्मी पड़ रही होती है, तो आप जानते हैं कि जो बर्ड्स होती है माइग्रेट करती हैं, अभी जैसे हमारे इंडिया में जो कोयल है, कुकू बर्ड, वो गर्मियों के दिनों में आएगी यहाँ पर, अभी वो उन एरियाज में चली गई है जहां पर अभी गर्मियां पड़ रही हैं। अब जब यहां पे गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी तो हमारी इंडिया में कुकू बर्ड आ जाएगी, अभी आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि अब ठंड का मौसम आने वाला है हमारे यहाँ पे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन ये सैलो उड़ती रही। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, अब देखिए उन्होंने सैलो के लिए, चिड़िया के लिए ही वर्ड यूज कराया, तो ये ही वर्ड का मतलब है वो मेल था, फीमेल नहीं था। और जब रात हो गई तो वो इस शहर के ऊपर आ गई, कौन से शहर में आ गई, जहां पर ये हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू लगी हुई थी। वेयर शैल आई पुट अप, ही सैड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। तो उसने सोचा कि यार मैं कहां रुकूं, तो सोचा कि चलो इसी शहर में रुक जाता हूं। देन ही सॉ द स्टैच्यू ऑन द टॉप कॉलम, और तभी उसने वो मूर्ति को देखा जो बहुत ऊंचे खंभे पर लगी हुई थी। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, बोला आज तो मैं यहीं रुकूंगा, इट इज अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, बोले खूब ऊंचाई है और यहां पे ताजा हवा भी आएगी, तो मैं यहीं सो जाऊंगा। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो ये जो चिड़िया थी वो बिल्कुल इस हैप्पी प्रिंस के पैर के नीचे यहां पर आ गई, यहां पर बैठ गई। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, उसने कहा अरे वाह आज तो मुझे सोने का, गोल्ड का बेडरूम मिल गया, ये सब सोना लगा हुआ है उसकी बॉडी पर। और जब उसने चारों तरफ उस चिड़िया को देखा, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, अब ये चिड़िया सोने वाली थी। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, अब देखो जो चिड़िया जब सोती है तो अपने सर को पंखों के अंदर कर लेती है, जो विंग्स होते हैं, अब वो अपने हेड को विंग्स के अंदर कर रहा था, तभी एक बहुत बड़ी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, बोले बड़ी अजीब बात है यार, ये पानी कहां से आया, देयर इज अ नो सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, एंड इट इज रेनिंग,
बोले आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं और फिर भी बरसात हो रही है, ये कैसे हो रहा है? Then another drop fell, तभी एक और बूंद गिरी उसके ऊपर. What is the use of the statue if it cannot keep the rain off? बोले क्या फायदा इस मूर्ति का, मैं यहां पर रुका हुआ हूं, अगर इससे बरसात ना रुके तो. He said I must look for a good chimney pot. बोले इससे तो अच्छा मैं किसी चिमनी पॉट में रुक जाता, जो चिमनी होती है ना धुआं निकलने वाली, उसमें छोटा सा जगह होता है, वहां पर चिड़िया रुक जाती है. And he determined to fly away. उसने कोशिश की अब मुझे यहां से उड़ जाना चाहिए. But before he had opened his wings, a third drop fell. इससे पहले एक और बूंद गिरी, उड़ने से पहले. And he looked up and saw, oh, what did he see? तभी उसने ऐसे देखा और ये बोले यार कमाल हो गया, ये क्या है, इस मूर्ति की आंखों से आंसू गिर रहे हैं. तो उसने कहा यार अब देखना चाहिए इस पत्थर की मूर्ति से आंसू कैसे निकल रहे हैं. तो वो यहां से उड़ा और उड़ता हुआ यहां पर पहुंचा और पूछा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम? The eyes of the happy prince were filled with tears. Happy prince की आंखों में आंसू थे and tears were running down his golden cheeks. और आंखों से आंसू होते हुए इसके ऐसे golden cheeks से होते हुए नीचे गिर रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight. चंद्रमा की रोशनी में उस happy prince का चेहरा बड़ा खूबसूरत लग रहा था. That the little cell was filled with pity. और तभी उस छोटे से सैलो के दिल में दया आ गई. बोले यार पूछूं तो ये क्यों रो रहा है? Who are you? He said. कौन हो, क्यों रो रहे हो? तो हैप्पी प्रिंस ने कहा I am a happy prince. मैं हैप्पी प्रिंस हूं. Why are you weeping then? यार बोले तुम हैप्पी प्रिंस हो, नाम आपका हैप्पी प्रिंस है तो रो क्यों रहे हो? आज सैलो यू हैव क्वाइट रेंस मी. रेंस का मतलब होता है भिगो दिया. यार तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया रो रो के. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. बोले जब मैं जिंदा था, मेरा दिल एक इंसान का दिल हुआ करता था, तब मैं यही नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं. मुझे किसी भी तरीके की तकलीफ ही नहीं थी, तो मैं जान ही नहीं पाया कि व्हाट इज अ टीयर्स, आंसू होते क्या है. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं महल में रहता था. वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां पे तकलीफों की कोई एंट्री थी नहीं. My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. मेरे सारे दरबारी मुझे happy prince कहते थे और वास्तव में मैं happy prince ही तो था. So I lived and so I did. मैं happy prince था और मैं happy prince होते होते ही मर गया. यानी कि मैं खुशियों में ही पला बढ़ा और खुशियों में ही at the last मर गया. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. अब देखिए मेरे मरने के बाद मेरे कोर्टियर्स ने मेरी मूर्ति बना दी. अब मैं जो मेरे यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, गरीब लोग जो हैं, उनकी तकलीफें मुझे यहाँ से दिखाई देती हैं. लेकिन अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता उनके लिए. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but be. मेरा दिल अब लेड का बना हुआ है. You know well, lead kind of एक धातु होती है, और होता है. अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रो सकता. उनकी तकलीफों को देख देख के मैं रोता रहता हूं और कुछ नहीं करता. What? Is he not solid gold? Said the sallow to himself. चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे यार इसका दिल सोने का नहीं बना है,
लेड का बना हुआ है, मैं तो सोच रहा था कि सोने का बना हुआ है। He was too polite to make any personal remarks. अब ये जो चिड़िया थी वो भी बहुत ही विनम्रता से उससे बात कर रही थी। Far away continued the statue in the low musical voice. अब हैप्पी प्रिंस बोला, हे प्यारी चिड़िया, दूर, बहुत दूर, शहर में बहुत दूर। हैप्पी प्रिंस बड़ी मीठी आवाज में बोल रहा था। Far away a little street there is a poor house. दूर एक गली में क्या है कि एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उनकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमन सीटेड एट अ टेबल, और उसमें मैं देख सकता हूं एक औरत बैठी हुई। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। एक लेडी है, उसका चेहरा दुबला पतला है, वो तकलीफ से भरी हुई है, उसकी हाथों में सुई लग लग के वो कैसे हो चुके हैं, ब्लडी हो चुके हैं, और वो एक लेडीज टेलर थी, जो लेडीज होती है उनके कपड़े बनाने वाली थी। फॉर सी इज अ सीम स्ट्रेस का मतलब होता है लेडीज टेलर। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑफ अ सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। वो रानी के ऑनर के लिए एक बहुत ही प्यारा गाउन पर फ्लावर्स लगा रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, जो अगला कोर्ट में डांस होगा उसमें वो रानी उस गाउन को पहनेगी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और पास में एक चारपाई उस पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है जो बीमार है। He has a fever and is asking his mother to give him oranges. वो बेचारे को बुखार आ गया है, वो अपनी मम्मी से ही कह रहा है कि oranges दे दो, संतरा दे दो। His mother has nothing to give him but river water. और उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है सिवा नदी का पानी है जो वो उसे पिला सकती है। So he is crying. इसीलिए वो बेचारा रो रहा है। Sallow, sallow, little sallow, will you not bring her the ruby out my sword hilt? My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. अब ये हैप्पी प्रिंस ये बोला कि देखिए ये इसकी जो सोड थी तलवार, यहां पर एक रूबी लगा था, यहां ये वाला, तो उसने कहा प्यारी चिड़िया ये जो रूबी है वो उस गरीब को देना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर यहां पर चिपके हुए हैं, तो ये वाला निकाल और उस जो लेडी टेलर है उसको दे के चली आओ, जो उसका बच्चा संतरे मांग रहा है, जिसकी वजह से क्या करेगी वो उसको खिला भी देगी, दवाई भी दिला देगी। आई एम वेटेड फॉर एन एजेंट सैट द सैलो माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर सून दे विल गो टू स्लीप। तो उसने कहा यार क्या बात कर रहे हो, मुझे नील जाना है, इजिप्ट जाना है, नील नदी में, वहां पे मेरे दोस्त पहुंच गए होंगे और नील रिवर में, नाइल रिवर में जो लोटस होते हैं उनके साथ वो खेल रहे होंगे, लोटस मतलब कमल के फूलों के साथ, और वो अब शाम होने वाली है और वो कमल के अंदर बैठ गए होंगे और वो कमल का फूल बंद हो जाएगा रात में तो वो वहीं पर सो जाएंगे, और तुम उससे कह रहे हो यार इतनी ठंड में कि मैं वहां पर जाऊं और उसको तुम्हारा रूबी निकाल के देके आऊं। द प्रिंस आस्क्ड द सैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड, बोले यार एक रात रुक जा, जो वो बच्चा है बड़ा प्यासा है और उसकी जो माँ है वो बहुत दुखी है, यार तू ऐसा कर ये रूबी उसको दे। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज
आंसर द सेलो आई वांट टू गो टू इज़र, बोले मुझे कोई मतलब नहीं है यार, ना मैं बच्चों को पसंद करता हूँ, ना मैं जाना पसंद करता हूँ यार, मुझे तो इजिप्ट जाना है। मैं तो तुम्हारे यहाँ रुक गया, तुम तो पहले ही पढ़े जा रहे हो यार, कह रहे हो कि रूमी दे यार रूमी दे, मैं क्यों दे आऊं बोला। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल सेलो वाज सॉरी इट इज वेरी कोल्ड हियर, लेकिन जब उसने देखा यार उसका मुंह उतर गया हैप्पी प्रिंस का, तो सैलो बोला यार सॉरी यार मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम कह रहे हो तो चलो एक रात रुक जाता हूँ, क्योंकि वो दूरी बहुत दूर था ना, तो टाइम लगता उसे जाने में आने में। बोला लेकिन यार ठंड तो बहुत ज्यादा है, अब तुम कह रहे हो कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा तुम्हारा रूम ही लेके। ही सैड बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन ये जो सैलो था वो एक रात रुकने के लिए तैयार हो गया और बोला चलो मैं तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊंगा, ठीक है, और ये रूबी भी मैं उस लेडी को दे आऊंगा जिसका लड़का बहुत बीमार है। थैंक यू लिटिल सैलो सैड द प्रिंस, प्रिंस बोला थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा कहा माना। द सैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सोल्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब उसने अपनी चोंच में ये रूबी निकाला यहां से और शहर की छतों के ऊपर से उठता हुआ जा रहा था, वही जा रहा था जहां पर वो बच्चा बीमार था। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर के ऊपर से गुजरा, द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, अब वो चर्च के ऊपर सफेद रंग के मार्बल से फरिश्ते बने हुए थे। ही पास बाय द पैलेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और वो महल के पास से गुजरा, तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खिड़की पर झांकती हुई आई और उसे डांसिंग की आवाज भी आ रही थी, महल में जो डांस चल रहा था उसका। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट वॉल सी सेट, और वो लड़की बोली कि मैं उम्मीद करती हूं मेरा जो नया ड्रेस है जो मैंने सिलने को दिया है उसी को वो लेडी के लिए जिसका लड़का बीमार था वो टाइम पर वो लेडी सिल के मुझे दे देगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने उस लेडी से ये भी कहा है कि इसमें फूल भी लगा देना मेरे ड्रेस पर। बट द सेम स्पेस आर सो लेडी, लेकिन ये जो लेडीज ट्रेनर है ना ये बहुत आलसी होती है, ये दो दिन में कह देंगे कि दो दिन बाद दे देंगे आपकी ड्रेस, लेकिन चार पांच दिन लगा लेती है। अब वो तो मेरी ड्रेस टाइम पर आ जाए तो मैं मानू, तो मैं उसको पहनकर डांस में जाऊंगी, डांसिंग पार्टी में जाऊंगी, ऐसा वो पैलेस में रहने वाली रानी कह रही थी। ही पास ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर से गुजरा, एंड शा द लाइट टेंस हैंगिंग ऑन द मास ऑफ द शिप्स, जहाजों के मस्तूल से गुजरा, मस्तूल होता है जो पोल लगे होते हैं जिस पर वो कपड़ा लगा होता है हवा कवर करने वाला, वहां पर लाइटें लगी थी रोशनी करने के लिए, उनके ऊपर से गुजरा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और आखिर में उस गरीब के घर पर आ गया और उसने उस अंदर झांक कर देखा। द बॉय वाज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, टॉसिंग का मतलब था कूदना, लेकिन यहां पर यह है कि वो लड़का कभी इधर पलट रहा था कभी उधर पलट रहा था क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। एंड द मदर हैड फॉलन असली, और वो औरत सो चुकी थी, काम करते करते थक गई बेचारी, सो गई। शी वाज सो टायर्ड, वो बहुत थक चुकी थी। इन ही होप एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन थिम्बल, और देखिए सुई चलाते वक्त अंगूठे में एक लोहे का कवर पहन लिया जाता है जिस थंब में, जिससे वो सुई बार बार चुभे नहीं है, यहां पे ऐसे अंगूठे में चोट नहीं पहुंचेगी। तो उस लेडी ने वो थिम्बल उतार कर मेज पर रख दिया था, गोल गोल होता है ऐसे पहन लिया जाता है इसमें।
और उस चिड़िया ने वो रू भी उसी थिम्बल के पास रख दिया। Then he flew gently round the bed, fanning the boy forehead with his wings. और तभी उसने तीन चार चक्कर लगाए उस लड़के के चारों तरफ, तो उसे हवा लगने लगी, उसे अच्छा अच्छा फील हुआ। How cool I feel, said the boy, क्योंकि बुखार जब होता है तो हमें बहुत गर्मी लगती है। तो वो लड़का बोला, हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। I must be getting better, मुझे लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ। And he sank into a delicious slumber. और जब वो चिड़िया उसके चारों तरफ उड़ी, उसे हल्की हल्की ठंड लगी, तो वो गहरी नींद में बच्चा ऐसे सो गया। अच्छा काम किया ना उसने। Then the swallow flew back to the happy prince. और फिर वो चिड़िया जो थी दोबारा से हैप्पी प्रिंस के पास आ गई। And told him what he had done. और उसे बताया कि मैंने क्या किया। It is a curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. चिड़िया बोली, यार इतनी ठंड है लेकिन मुझे बड़ी गर्मी लग रही है शरीर में। That is because you have done a good action, said the prince. राजकुमार बोला, आपको गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। And the little swallow began to think and then fell asleep. और वो छोटा सा चिड़िया जो थी उसके पैरों में लेट कर ऐसे सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोच सोच कर वो अक्सर सो जाता था। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, जब सुबह निकली तो वो चिड़िया उड़ती हुई नदी के पास गई, वहां पर नदी में नहीं। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in a high spirits of the prospects. बोला, आज की रात मैं मिस्र पहुंच जाऊंगा और ये उसने पक्का मन बना लिया था। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. वो खूब उड़ा और चर्च के मिनारेट से उस पर बैठा जाता। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब रात हुई तो वो रात होने के बाद फिर से happy prince के पास पहुंचा। Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. तो उसने happy prince से कहा कि आपको कोई मैसेज देना है जो आपका कोई रिश्तेदार रहता हो इजिप्ट में, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं आपको छोड़कर, मैं इजिप्ट के लिए उड़ रहा हूं। सैलो सैलो लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। हैप्पी प्रिंस बोला, यार प्यारे सैलो एक रात यार और रुक जा। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द सैलो, बोले क्या बात कर रहे हो यार, मेरे भाई बहन चाचा ताऊ दोस्त सब मिस्र में मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि मैं कब पहुंचूं वहां पर। सैलो सैलो लिटिल सैलो, सैड द प्रिंस, फार अवे क्रॉस द सिटी आई सा यंग मैन इन अ गैरेट, दूर मैं एक यंग मैन को देख रहा हूं जो गैरेट में एक ऑर्डिनरी प्लेस पर है। He is leaning over a desk covered with papers. वो एक डेस्क पर ऐसे करके लेटा हुआ है जो पेपर से कवर है। And in the glass by his side there is a bunch of withered flowers. एक ग्लास में उसके बराबर में सूखे वायलेट्स के फूल रखे हैं। His hair is brown and crisp. उसके बाल ब्राउन है और सख्त हो गए हैं। And his lips are red as a pomegranate. और उसके होंठ अनार के जो रंग होता है रेड रेड है। And he has large and dreamy eyes. उसकी बड़ी बड़ी और सपने आंखें। He is trying to finish a play for the director of the theater. वो जो नाटक
नाटक कंपनी का डायरेक्टर है, उसने कहा है कि हमारे लिए एक नाटक लिख देना, तो वो उस नाटक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो ठंडा पड़ गया और इतना ठंडा पड़ गया कि कुछ लिख ही नहीं पा रहा। देयर इज नो फायर इन द गैप, जहां पर वो जगह है जहां पर आग लगाते हैं वहां पर आग ही नहीं, क्योंकि उसके पास बेचारे का पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो लकड़ी कहां से लाएगा, कोयला कहां से लाएगा। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और बहुत कई दिनों से भूखा, इतना भूखा है कि उसे बेहोशी छा रही है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द सेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। बोले चले यार ठीक है, मैं एक रात और रुक जाऊंगा तेरे लिए। वास्तव में सैलो का दिल बहुत अच्छा था। He asked if we should take another movie to the young playwright. तो उसने कहा कि तू ऐसा कर कि जो दूसरा रूबी है वो तू उस playwright को दे। Alas, I have no ruby now, said the prince. तो उस चिड़िया ने कहा अच्छा ऐसा है तुम दूसरा रूबी दो, जैसे पहला रूबी वाला यहां पर था, बोले तुम्हारे पास एक और रूबी होगा वो दे दो, मैं दे आऊंगा उसके लिए। तो बोले नहीं यार मेरे पास अब रूमी नहीं, अब तो सफायर है, सफायर का वो आंखों में लगे हुए थे, अब ये सफायर निकल जाएगा तो इस आंख से दिखाई नहीं देगा, ये वाला निकल जाएगा तो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। माय आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब तो मेरी आंखें ही सहारा हैं। दे आर मेड ऑफ रियल सफायर्स, प्योर सफायर्स से बनी हुई है, विच आवर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर, 1000 साल पहले। मतलब इसका ये हुआ कि इस हैप्पी प्रिंस को मरे हुए 1000 साल हो चुके थे, तो 1000 साल पहले ये इंडिया से मंगाए गए थे, तो फिर ये मेरी आंखों में लगाए गए थे। He ordered the sailor to pluck out one of them and take it to the playwright. बोले मेरी आंखें भी काम निकाल ले और उस प्लेराइट को दिया जो नाटक लिख रहा है। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. बोले वो ज्वेलर को इसको बेच देगा, लकड़ी ले आएगा, आग लगाएगा, रोटी भी खा लेगा और उसे थोड़ी ताकत आ जाएगी तो वो नाटक भी लिख देगा। Dear prince, said the sailor, I cannot do that, and he began to weep. बोले भैया मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तुझे तो ये निकाल लिया तो तुझे दिखाई नहीं देगा, वो रोना शुरू कर दिया। सैलो सैलो लिटिल सैलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांडिंग, बोले प्यारे सैलो 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 बेटा मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर, तू मेरा एक ही निकाल। सो द सैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। अब उसने एक आग का वो सफायर निकाला और ऐसे उड़ता हुआ वहीं पर पहुंचा जहां पर वो यंग मैन बैठा हुआ था। इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन, बड़ा आसान था उसके अंदर जाना।